मैंने आपकी वीडियो देखी थी। अच्छा, वो वीडियो काफी देर ना देख के पूरी तसल्ली करके अच्छा फिर मैंने मंडा मंगवाया। ठीक हो गया। जब मंडा मंगवाया था मेरा दिल तड़को तड़को कर रहा था, पता नहीं खाए या ना खाए। ठीक हो गया। जब मैंने मंडा मंगवा के इनके आगे रखा जी, तो जानवर मैं तो हैरान हो गया कि यार मैं इतनी देर शौक करता रहा 22 साल, और मेरा शौक मैं वो देसी तोड़ के इस्तेमाल करता था। पहले आप ये बंडे का रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। चला जी, पहले मेरा शौक ही होता था कि मेरा जानवर भी ऐसे हो। ठीक, पहलवान बने। हाँ जी, लेकिन वो पहलवान नहीं बनते थे। ठीक है, मैं बड़ी खुराक खिलाता था। लेकिन जबकि आपसे मंगवाई है ना मैंने तोड़ी जी, वो बंडा आपका खिला रहा हूँ जी जी, तो माशाल्लाह मेरे जानवर मेरे दिल को तसल्ली है। चले जी, मैं अल्लाह के राह पे कुर्बान करता हूँ माशाल्लाह जानवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब खैरोफियत के साथ हैं। मैं हूं आगा सद्दाम अब्बास, और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गुजरांवाला बकरा मंडी। आई दोस्तों एक और शुकीनी है, अंकल है माशाल्लाह, काफ़ी अरसे से ये शो करके देखे जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ही जानवर वंडा खा रहा है, पहले इसने पानी पी लिया है, अब ये वंडा खा रहा है। और ये जानवर जो भी है इनके, इन्होंने अपने घर पे एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ कुर्बानी का, ये बड़े अरसे से अंकल शौक कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनके जानवर भी दिखाते हैं, इनसे मिलवाते भी हैं, और इनकी कीमती जितनी भी हो सके गुफ्तगु सुनते हैं, और इंशाल्लाह ताला एक इन्फॉर्मेटिव एक खूबसूरत सी वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करते चलते हैं। चले दोस्तों आज की खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव खूबसूरत वीडियो शुरू करते हैं। ये ले जी दोस्तों, ये अंकल हैं माशाल्लाह ताला, तो ये बड़ा अरसे से शौक कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये वंडे के नतीजे हैं आपके सामने, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को इज्जत देने वाली होती है, बंदा किसी को कोई इज्जत नहीं दे सकता। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वंडे के रिजल्ट हैं, तो ये अंकल से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी अंकल जी, क्या हाल है? ठीक है, तो भैया से ठीक है आपकी? अच्छा अंकल, ये अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। मोहम्मद इश्तियाक, और मोहम्मद इश्तियाक पट्टी दाग जा। ठीक हो गया। गुजरांवाला किस जगह से आप? ख्याली जी। ठीक हो गया। अच्छा अंकल, ये अपना पूरा एड्रेस बता दीजिएगा हमारे दोस्तों को, मुझसे बाद में कहते हैं जी, पूरा एड्रेस बता दे। ख्याली होटल है आपका कोई? हाँ जी होटल है। दाल चावलों का? जी हाँ, ऑटो मार्केट। ऑटो मार्केट में। ठीक हो गया। अच्छा अंकल जी, आप मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आपके पास ये जानवर है, तो अल्लाह ताला आपका शौक इसी तरह सलामत रखिए। कुर्बानी का शौक है आपका? जी हाँ कुर्बानी का शौक। अच्छा अंकल जी, आप कितने अरसे से शौक कर रहे हैं? मैं 22 साल से। 22 साल से शौक कर रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो अंकल जी ये जरा हमारे जितने भी दोस्त देखने वाले हैं नए शुकीनी हैं जी जी, तो उनसे जरा बताइएगा कि आपका हमारा रब्ता किस तरह हुआ है। मैंने आपकी वीडियो देखी थी। अच्छा, वो वीडियो काफी देर ना देख के पूरी तसल्ली करके अच्छा फिर मैंने मंडा मंगवाया। ठीक हो गया। जब मंडा मंगवाया था मेरा दिल तड़को तड़को कर रहा था, पता नहीं खाए या ना खाए। ठीक हो गया। जब मैंने मंडा मंगवा के इनके आगे रखा जी, जानवर मैं तो हैरान हो गया कि यार मैं इतनी देर शौक करता रहा 22 साल, और मेरा शौक मैं वो देसी तोड़ के इस्तेमाल करता था। पहले आप बंडे का रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। चलिए अल्लाह ताला ख्याल रखे। ये देखे जी दोस्तों, ये वनडे के नतायज भी आपके सामने हैं। तो माशाल्लाह अंकल ने बड़ा अच्छा अपने घर के ऊपर एक सेटअप किया हुआ है, ये पहली मंजिल है इनकी। ये नीचे देखिए इन्होंने बरादा वगैरह डाला हुआ जिसको बूरा बोलते हैं। तो बाकी ये 200 जानवर ने वंडा खा लिया, देखिए इसके कान भी देखिए गंदे हुए। ये हमारा ये अभी खाया है, ये देखिए अभी इसने वंडा खाया है, और माशाल्लाह ताला। और वो जो पीछे जानवर बांधा हुआ है और वो जानवर वंडा खा रहा है। अच्छा अंकल जी, हमसे मुलाकात होने से पहले आप अपने जानवर को क्या खुराक दे रहे थे? वो जो तूड़ी चोकर वगैरह, ये वो दूसरा दाना वगैरह, मिक्स जो दाना है बाजारी दाना, लेकिन उसका दर्द नहीं आता था। अच्छा, जानवर जैसे ये मैंने इस्तेमाल किया है, पहले तोड़ा किया है जी जी, अब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जानवर का ये मोटापा जो है जी जी, वो ये आपसे जो बंडा मंगवाया ना जी जी, ये उसके नतीजे माशाल्लाह जी। पहले मेरा शौक ही होता था कि मेरा जानवर भी ऐसे हो। ठीक, पहलवान बने। हाँ जी, लेकिन वो पहलवान नहीं बनते थे। ठीक है, मैं बड़ी खुराक खिलाता था, लेकिन जबकि आपसे मंगवाई है ना मैंने तोड़ी जी, वो बंडा आपका खिला रहा हूँ जी जी, तो माशाल्लाह मेरे जानवर मेरे दिल को तसल्ली है। चले जी, मैं अल्लाह के राह पे कुर्बान करता हूँ माशाल्लाह, जानवर माशाल्लाह ऐसे हो। चले जी, अल्लाह ताला ऐसे ही होंगे, ये
आपके सामने ये जी दोस्तों ये देखे आपके सामने नताइज है। अच्छा अंकल जी आपकी एज कितनी है? मेरी उम्र? हाँ जी उम्र आपकी? मेरी उम्र है 60 साल। 60 साल से आप ये बताए कि अंकल जी आप शो कर रही हैं, ठीक है आपने बोला है कि 15-20 साल हो गए आपको शो करते हुए। हाँ जी 15-20 साल में आपको कोई ऐसा मंडा मिला है कि नहीं मिला? नहीं ऐसा मंडा नहीं मुझे मिला। क्यों नहीं मिला? बड़ी कोशिश की है। अच्छा लेकिन लेके भी आता वो जानवर खाते नहीं है, वो सब झूठ है। अच्छा तो वो तसल्लियां देते हैं आपको, लेकिन ये तो है आपके सामने वो देखो मेरा जानवर खा रहा है वो कैसे माशाल्लाह खा रहा है। जी दोस्तों ये हमारा बंडा है आपको दिखा देते, ये अंकल ने रखा हुआ, ये देखे इसमें ये देखे ये दोस्तों टोटल अजनास इसमें मौजूद है, मकई चोकर खल मिनरल डीसीबी पाउडर फैट कार्बोहाइड्रेट्स चने का छिलका चना टॉक्सिन बाइंडर मिनरल्स हर चीज इसके अंदर मौजूद है। और ये जानवर आपके सामने ये देखे जी दोस्तों ग्रोथ है इनकी और माशाल्लाह इनका वजन भी। अंकल इसका कोई वजन का आइडिया है? ये मेरे नब्बे किलो नहीं होगा, 90 किलो से ऊपर ही होगा माशाल्लाह ताला आपका देसी क्रॉस जानवर है, बाकी अच्छा नहीं खूबसूरत रील जानवर। अच्छा अंकल ये मुंह से क्या है? मुंह से ये खीरा अभी ये देखे ये अभी इसने दांत सुटे माशाल्लाह जी दोस्तों अभी एक दांत तोड़ा इसने अभी दोंदा हो रहा है। और ये देखिए जी दोस्तों माशाल्लाह ये वनडे के नतीजे ये अंकल। अच्छा अंकल जी आप हमारे वनडे से कितना मुतमिन है? मैं बड़ा खुश हूँ, मैं तो सभी को मशवरा देता हूँ जी जी। अगर शौक करना है ना जी जी। तो ये वंडा इनसे मंगवाए तो इनशाला रिजल्ट एक महीने के बाद आप देख लेना, अगर एक थोड़ा खा के इसका रिजल्ट आप देख लेना। नहीं मैं पूछ रहा हूँ अक्सर ये दोस्त कहते हैं जी 1 किलो वंडा ले ले 2 किलो जब तक आप एक तोड़ा नहीं खाएंगे रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं 1-2 किलो के साथ है, ये पहले मैंने भी मंगवाया था तो ये मुंह नहीं लगाते 1-2 दिन जी। तो जब इन्होंने खाना शुरू किया है तो दूसरा मंडा खाते ही नहीं है। अच्छा हाँ जी वो तो खाते ही नहीं है वो ये देखो मैंने तोड़ा मंगवाया अभी कहा इसके गिला है ये उसको भी देख लो उसने खा लिया है माशाल्लाह जी। दोस्तों ये देखे ये अंकल का शौक है और काफी अरसे से ये शौक कर रहे हैं और बाकी इनकी मजीद जो गुफ्तगू है वो भी आपको इंशाल्लाह ताला सुनवाई है और जो अंकल का दूसरा जानवर है वो भी दिखाते हैं। ये देखे जी दोस्तों ये अंकल का दूसरा जानवर है माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये भी शो करते हैं गुजरांवाला से, बाकी माशाल्लाह इनका तजर्बा जो ज़्यादा है। बाकी दोस्तों वनडे के जो नताइज थे वो अंकल के मुँह से आपको सुनवा दिए और ये भी जो इनका जानवर है ये भी कुर्बानी का है ये भी आप दोस्तों को दिखा देते हैं। और माशाल्लाह ताला आपने कमेंट ज़रूर करना है कमेंट्स बॉक्स में कि अल्लाह ताला के साथ अंकल इश्तियाक साहब का इसी तरह शौक सलामत रखे। अच्छा अंकल जी ये जो जानवर है आपने कहाँ से परचेज किया था? ये मैंने उधर से चौक आजम से लिया वाली जो साइड है। हाँ जी लिया वाली ठीक हो गया। तो ये कब आपने परचेज किया था? तकरीबन 2-2.5 माह हो गए हैं। हाँ जी ठीक हो गया। अभी ये मुँह से क्या दोंदा ये खीरा है? ये खीरा है ये देख ये देखे जी दोस्तों माशाल्लाह खीरा है और इसकी मजबूत ये देखे सीना टांगे टूंगे इसकी मजबूत है वैसे भी लेंथ जानवर की अच्छी है। अच्छा अंकल जी इसको आप कितना मंडा दे रहे हैं? इसकी भी रूटीन जरा हमारे दोस्तों से शेयर कर दे। इसे भी वो 1 किलो सुबह अच्छा 1 किलो शाम ठीक है। ये अभी इसने मंडा खाया ये देख लो। ये देखे जी दोस्तों पहले आपको दिखाया है कि इसने मंडा खाया लेकिन जानवर एक्टिव है और माशाल्लाह ताला हेल्दियां छोड़ दे और जानवर कभी इन्होंने पकड़ा नहीं है इसलिए थोड़ा सा तंग कर रहा जो भी है ये खुद खाते हैं और पीते हैं। अच्छा अंकल जी पानी उसमें कितना ऐड करके दे रहे हैं मंडे में? पानी जो 1.5 लीटर की बोतल है ना जी जी वो 2 बोतलें ऐड करके माशाल्लाह ठीक शौक से खाते हैं। हाँ जी तो जानवर अंकल जी ये मंडा हमारा खिलाने के बाद जानवरों को गर्मी फील हुई है? नहीं तो यहाँ जानवरों को गैस अफारा लूज मोशन या कोई चीज नहीं मैं ये लेकर आया हूँ गर्मियों में भी ये देख रहे हैं आप ये सामने है ये देखिए जी दोस्तों आपको दिखाते हैं वो देखे सामने जानवर यूरन कर रहा है और इस वक्त गर्मी भी बे इंतहा की है लेकिन जानवर को पता नहीं है कि गर्मी क्या होती है। बाकी ये अल्लाह पाक खैरियत वाले ये सारे मामलत करें और अल्लाह ताला की ज़ात अंकल का शौक इसी तरह सलामत रखे। अच्छा अंकल जी कुछ हमारे नए शौकीन हैं देखने वाले उनको एक छोटा सा क्या मैसेज देंगे कुर्बानी के मतलब? वो मैं मैसेज यही दूंगा उनको कि यार ये बंडा बहुत अच्छा है जी इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको खुद पता लग जाएगा और शौक करने का भी आपको पता लग जाएगा कि कैसे शौक होता है।
ठीक हो गया। ये दूसरे बंडे वगैरह ये कुछ नहीं। अगर जानवर के आप देख रहे हैं ना, कई लोग देखते हैं मोहल्ले में, हाँ यार मेरा जानवर इतना मोटा हो, हाँ जी हाँ जी, तो वो ऐसे नहीं मोटा होता, खुराक देनी पड़ती है, खुराक के सिद्ध में होता है जी, तो खुराक ये फलू नहीं जी जी। ये मैंने तो बड़ा आपका नंबर ढूंढ ढूंढ के ये मंगवाई है। अच्छा, तो इंशाल्लाह एक तोड़ा खिलाया मैंने, दूसरा मंगवाया जी जी। पहले तोड़े का मुझे रिजल्ट का पता चल गया जी जी, तो मैं इंशाल्लाह आपसे ताफ्ता करके दूसरा मंगवाया जी, तो वो इंशाल्लाह फिर आपसे मंगवाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। चले जी, अल्लाह ताला की जात इसी तरह अंकल का और जितने भी मेरे देखने वाले भाइयों सबका शौक सलामत रखे। ये थी दोस्तों एक खूबसूरत सी छोटी सी वीडियो, और आपको वंडा भी दिखा दे, काफी दोस्त कहते हैं जी हमें वंडा दिखा दे। ये दोस्तों आप वंडा देख लें, ये वंडा है, इसके अंदर जो हमने इंग्रीडियंट्स डाले हैं आपको नजर आएंगे। ये देखिए मकई है, चोकर है, खल है, मिनरल्स है, DCP पाउडर है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, चना, टॉक्सन बाइंडर, हर चीज इस वंडे के अंदर मौजूद है। और ये ब्रीक हमने क्रश इसलिए किया कि ये पानी के साथ लिक्विड की सूरत में जानवरों के अंदर जाए और जानवर अच्छी ग्रोथ कर सके। अगर दोस्तों ये आपको अंकल के जानवर अच्छे लगे हैं तो इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है अंकल जी, बड़ा मजा आया आपसे मिलके। अल्लाह ताला की ज़ात आपका इसी तरह शौक सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, अल्लाह हाफिज़ जी।